नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को किस करवट सोना चाहिए। अक्सर सलाह दी जाती है दाएं करवट सो, बाएं करवट सो, लेकिन आज किस करवट सोना चाहिए और क्यों सोना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और ये बातें बताने के लिए, इन्हें ठीक तरीके से समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर शांति रॉय, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, बिहार के ही नहीं बल्कि देश के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत सलाहें दी जाती है, बहुत सारे सलाह मशवरे होते हैं, इस करवट सो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। ऐसे में आज मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वाकई में क्या गर्भावस्था के दौरान किसी करवट सोना सही और गलत होता है। बात यह है ना कि गर्भावस्था में जब यूट्रस बढ़ने लगता है और बच्चा उसमें फैलने लगता है तो यूट्रस और बच्चा दोनों मिलाकर वजन वहाँ पर काफ़ी हो जाता है। उस भारी उसके पीछे, यूट्रस के पीछे महिला का अपना एक ब्लड चलने वाली सर्कुलेशन के लिए इन्फीरियर वेना कवा एक होता है, जिससे कि पैर वैर का ब्लड हार्ट की ओर जाता है शुद्ध होने के लिए, और फिर शुद्ध होने के बाद वो वापस आता है अयोटा के द्वारा नीचे ब्लड को सप्लाई करने के लिए, और बीचों बीच से वो रन करता है। मतलब जो इन्फीरियर वेना कवा हुआ और अयोटा हुआ वो हार्ट से निकलता है और चारों ओर से या तो ब्लड हार्ट की ओर ले जाता है और नहीं तो हार्ट से चारों ओर ले जाता है। तो नीचे के भाग में जो ब्लड जाता है वो बीचों बीच उसका रास्ता बना रहता है अयोटा का और इन्फीरियर वेना कवा का। अब ये भारी यूट्रस अपने बच्चे के साथ अगर उस अयोटा और इन्फीरियर वेना कवा पर अपना प्रेशर डालता है तो उसके चलते महिला के नीचे वाले अंगों में, पैर में भी और गर्भाशय में भी ब्लड की कमी हो जाती है। एक तो एक तरफ ब्लड की कमी होती है, दूसरी तरफ वहाँ का गंदा ब्लड वापस हार्ट की ओर पहुँच नहीं पाता है प्रेशर पड़ने के कारण। इसीलिए गर्भावस्था में सलाह दी जाती है कि करवट सोया जाए, चित्त नहीं सोया जाए। अब ये नहीं है कि जैसे गर्भ ठहरा उसी समय से करवट सोना है, ऐसी बात नहीं है। जब गर्भाशय का वजन इतना अधिक हो जाता है कि उसके चलते अयोटा पर प्रेशर पड़े, इन्फीरियर वेना कवा पर प्रेशर पड़े, तब से ये करना जरूरी होता है। और ये अधिकांशतः 5 महीने के बाद होता है, इसलिए 5वें महीने से चित्त नहीं सोना चाहिए, करवट सोना चाहिए। और करवट में भी बाईं करवट सोना ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये रक्त की जो नलियाँ होती हैं वो दाहिने तरफ में थोड़ी होती हैं, तो अगर दाहिने सोएगी तो प्रेशर थोड़ा और बढ़ सकता है उस पर, बाईं सोने पर प्रेशर एकदम कम रहता है और उसके चलते जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसलिए 5वें महीने के बाद बाईं करवट सोने की सलाह दी जाती है और चित्त सोना अवॉइड करना चाहिए जी। इससे महिला को भी तकलीफ होगी, बच्चे को भी तकलीफ होगी जी। ये चीज़ जानना चाहूँगी मैम कि गर्भवती महिलाओं को ये भी सलाह दी जाती है कि सीधे झुककर कोई सामान ना उठाएं, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है उसे कोई तकलीफ हो सकती है, तो क्या सीधे झुककर कोई सामान उठाना कुछ गलत साबित हो सकता है? सीधे झुककर सामान उठाना किसी के लिए भी गलत साबित होगा, न केवल गर्भवती महिलाओं के लिए, उन्हें ज़्यादा ही तकलीफ होगी क्योंकि पेट में एक बच्चा भी है, तो पूरे बच्चे को लेते हुए नीचे झुकना वैसे भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग सीधे झुकते हैं तो उसके चलते कमर पर जोर पड़ता है, और हमेशा ही कमर को झुकाना, मैंने कमर को झुकाने के बदले ठेहुने को झुकाना चाहिए, ठेहुने को मोड़ करके और तब नीचे की चीज़ उठानी चाहिए जी। कमर को झुका कर नहीं, सबको ये काम करना चाहिए जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।